हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द म्यूजिक रिव्यू ब्लॉग। तो भाई म्यूजिक रिव्यू ब्लॉग लेके आ रहा है बोलो ना भाई, 12 फेल श्रेया घोषाल एंड सान भाई, लिटरली दोनों मिलकर एक काफ़ी इमोशनल सॉन्ग बोलो ना, लिटरली एक पावर बोलो ना, एक लिटरली काफ़ी इंटरेस्टिंग विक्रांत मेस्सी एंड मेधा वेंचुरी के सारे कैरेक्टर का नाम ले लिया गया। चलिए बात करते हैं म्यूजिक और बोलो ना, एक तो स्लाइट स्लो म्यूजिक जहाँ पे एक एजुकेशनल लव स्टोरी स्टार्ट हो रही है, एक एजुकेशन के बीच में प्यार हो रहा है और प्यार ऐसी जगह हो रहा है जहाँ वो बोलने के लिए बोलो ना हर की इमोशन एक दूसरे के इमोशन को टकरा रही है। तो लिरिक्स काफ़ी इम्पैक्टफुल म्यूजिक के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंटरेस्टिंग वेज में दिखाता है और म्यूजिक रिव्यू ब्लॉग्स हर कंटेंट को ढूंढ ढूंढ कर एक सेलेक्टिव म्यूजिक बनाता है। तो क्या था वीडियो कमेंट जो बताएगा। और भाई मतलब म्यूजिक बोलो ना इम्पॉर्टेबल एक रोमांटिक एजुकेशनल लव स्टोरी बोल सकते क्योंकि एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू पर मिले हैं, हिले हैं एंड देन द इमोशन ऑफ दर इम्पैक्ट स्टोरी खिले हैं। तो क्या वीडियो कमेंट जो बताएगा, ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लिया भाई, रुकना नहीं है, चुकना मिलते हैं, बाय बाय।